गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो मैं आपको पहले इसके लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। कौन सी है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2? सो लेट्स स्टार्ट। My question number 1 is, fill in the blanks. यानी जो खाली स्थान है आपको वो क्या करने हैं, फिल करने हैं। देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 3/8 इंटू 2/5 इज इक्वल टू डैश। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 8 5 40, ये क्या हो गया 6/40। 6/40 आ गया यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अभी अगर ये डिवाइड होता है, डिवाइड होता है तो इसे क्या करते हैं, ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आप से मत फिल कीजिए, इसे यहाँ कर लीजिए। 3 2 6 and 8 5 40। अगर ये कटता है तो इसे काट दीजिए। ये किस टेबल में कटता है, 2 3 6, 2 2 4 एंड एज इट इज 0 की 0। क्या है 3/20। सो फिलअप का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे फिलअप का आंसर आ जाएगा 3/20 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So this is our
110 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 जा 9, 11 से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, 0 डिवाइड कराएंगे 18 6 जा 18, सो रिमाइंडर क्या रहेगा 2, ये आंसर आ गया 36 2 बाय 3 आंसर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल राइट एंड सॉरी नीट एंड क्लीन राइटिंग में क्या करना है, राइट करना है और कटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए आपकी नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।